योगी सरकार के नक्शे कदमों पर चलते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद कानून बनाने के बाद अब पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शिवराज मामा के कैबिनेट में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, एक महीने के भीतर प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में बढ़ रही पत्थरबाजी की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए शिवराज सरकार ने यह निर्णय लिया है। नमस्कार, मेरा नाम गुरप्रीत है और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। कानून की सख्ती देख छूट जाएंगे पत्थरबाजों के पसीने। पत्थरबाजों पर लगाम कसने के लिए शिवराज सरकार जो कानून लाने जा रही है वह इतना कड़ा होगा कि पत्थरबाज हाथ में पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। नए कानून के तहत पत्थरबाजों के खिलाफ गैर जमानती अपराध दर्ज किया जाएगा। यूपी सरकार की ही तरह शिवराज सरकार भी पत्थरबाजी से हुई संपत्ति व जानमाल की हानि की वसूली पत्थरबाजी करने वालों की संपत्ति को जब्त करके पूरा करेगी। शिवराज सिंह तो योगी जी से भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। यदि धर्मस्थल की आड़ लेकर पत्थरबाजी की जाती है तो धर्मस्थल को अधिग्रस्त करने का प्रावधान भी कानून में होगा। ऐसे कानून की जरूरत मध्य प्रदेश को थी क्योंकि राम मंदिर निर्माण की घोषणा और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में पनपा पत्थरबाजी का वायरस वहां से निकलकर पूरे देश में फैलता जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर और मंदसौर इलाके के पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के बेगमबाग में हुई पत्थरबाजी की घटना को कैसे भूल सकते हैं। रामनिधि संग्रहण रैली निकालने के दौरान मुस्लिम समुदाय के अराजक तत्वों ने हिंदू संगठनों पर पथराव किया। इस घटना के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई भी की थी। शिवराज सरकार ने पत्थरबाजों के वायरस को फैलता देख बिल्कुल सही समय पर कानून बनाने का कदम उठाया ताकि मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों का गढ़ ना बन पाए। शिवराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है, इससे लोगों की जान भी जा सकती है। इससे भय और आतंक का माहौल पैदा होता है, भगदड़ मचती है, अव्यवस्थाएं होती हैं। इस तरह के अपराध साधारण अपराध नहीं होते हैं और इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ अभी तक तो मामूली सी कार्रवाई होती थी लेकिन अब कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून बनेगा। लोगों को लोकतंत्र में शांति से अपने मुद्दों को उठाने का अधिकार है लेकिन किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है। संविधान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी सबको दी जाती है, फिर भी पत्थरबाजी करना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। पत्थरबाज इस समाज के दुश्मन है और ऐसे लोगों को कैसे छोड़ा जा सकता है। इधर शिवराज सिंह ने पत्थरबाजी पर कानून बनाने का ऐलान किया और उधर कांग्रेस का दम फूलने लगा। देखते ही देखते कड़कड़ाती ठंड के बीच मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जनता के हित से जुड़े हुए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार और भाजपा इस तरह के हटकंदे अपना रही है। पत्थरबाजी को रोकने के लिए कानून बनाना कांग्रेस की नजर में असली मुद्दा नहीं है, तो फिर कांग्रेस को खुलकर सामने आना चाहिए और पत्थरबाजी की वारदातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सामने आकर ऐलान करना चाहिए कि वह पत्थरबाजी का समर्थन करते हैं ताकि जनता के बीच उनका असली चेहरा सामने आए और पत्थरबाजी से होने वाले नुकसान की भरपाई भी कांग्रेस की संपत्ति को जब्त करके पूरी करनी चाहिए। खैर, इस कानून के आने के बाद मध्य प्रदेश में पत्थरबाज हाथ में पत्थर उठाने से 100 बार सोचेंगे। इस तरह का कानून पूरे देश के लिए आना जरूरी है क्योंकि कश्मीर में पनपा पला बड़ा पत्थरबाजी का वायरस अब देश के अलग अलग राज्यों में फैलने लगा है। लाइव अपडेट के लिए जुड़े रहें ओ न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।